नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 21 अक्टूबर, कल के सेशन में हमने एग्री डेस्क के अंदर एक अच्छी खासी उछाल आते हुए देखी। हमने देखा प्राइजेस 20% से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया और कल के सेशन में हमने 1180 का लेवल रिगेन करते हुए देखा। टेक्निकली अगर हम बात करें तो 1180 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है जो कहीं ना कहीं 1200-1220 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम पूरे काउंटर्स की अगर बात करें, कैस्टर कपास ये दो काउंटर को छोड़कर सभी काउंटर्स में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी। खास करके सोयाबीन में हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट आज भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल में काफी तेजी है, चाहे सोया ऑयल हो, चाहे सोया मील हो, चाहे सोयाबीन हो। तो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के कारण डोमेस्टिक मार्केट में कल भी तेजी बनी और आज भी तेजी का रुख है, जो 4280 के लेवल पे होल्ड करने से करीबन 4350 से 4390 तक का भी लेवल दिखा देगा। वही रिफाइंड सोया 950 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये हर्डल आज तोड़ देता है तो 957 तक का लेवल रिफाइंड सोया ऑयल में भी देखने मिल जाएगा। मस्टर्ड टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट है, बट अनलेस एंड अंटिल एडिबल ऑयल की तेजी नहीं रुकती है, ये कंटिन्यू ऊपर का ही लेवल दिखाएगा। सोइंग में थोड़ा बहुत डिले भी है जिसके चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अगला पड़ाव 5780 का लेवल रहेगा। अनलेस एंड अंटिल 5650 के नीचे नहीं जाता है, ट्रेंड पॉजिटिव है। कैस्टर आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है अगर 4200 का लेवल तोड़ दे तो। 42 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो हम फिर से एक उछाल देखने मिल जाएगा, जो 4260 से 4270 तक का लेवल दिखा देगा। मसालों के अंदर भी जैसे हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में तेजी का रुख है, जिस से मानसून डैमेजेस, हमने चाहे गुजरात की बात करें, गुजरात में डैमेज नहीं हो सकता बट अराइवल डिले के चलते ये तेजी रहेगी। तो हल्दी 6200 के लिए ओवरऑल लेके चलना चाहिए। जीरे में ध्यान रखिए 14500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। धनिया 6850 का लेवल तोड़ दिया तो 7200 तक का भी लेवल दिखा देगा। वहीं चने की अगर बात करें तो चने में तेजी जरूर है बट रुक रुक के तेजी चलती रहेगी। 5400-5500 का रेंज है, उसी में मूवमेंट करेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में आज तेजी रह सकती है, जो 1800-1850 का दायरे में तेजी रहेगी। गवार सीड गवार गम काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। आज अगर 4180 या 4200 के ऊपर गवार सीड निकल जाता है तो बड़ी तेजी के लिए तैयारी रखिए। अदरवाइज 4000 से 4200 के बीच में गवार सीड और 6000 से लेकर 6300 के बीच में गवार गम का लेवल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मेंथा में बाइंग कंटिन्यू रखिए 960 के टारगेट के लिए। सीपीओ 800 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, जबकि कॉटन में थोड़ी भी गिरावट मिले, इस गिरावट में हमें लेके काम करना है। इंटरनेशनल में आज कॉटन में थोड़ी गिरावट है बट ओवरऑल ध्यान तेजी का। चार्टिकली गवार गम इंपॉर्टेंट हर्डल पे है, अगर ये 6250 के ऊपर निकल जाता है क्लोजिंग बेस पे तो बड़ी तेजी, नहीं तो प्राइजेस 6250 का लेवल छूने के बाद गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा। सीपीओ में तेजी का रुख अभी भी कायम है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है जो ऊपर में 800 से 812 तक का भी लेवल दिखा देगा। सोयाबीन में टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है बट 4350 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।